सर, शहर में आने वाले किसी भी एसीपी ने इसके बारे में पूछताछ नहीं की। आप पूछ रहे हैं, बड़ी हिम्मत की बात है। यू आर समथिंग स्पेशल सर। ये क्या है? यही नहीं सर, उसकी इल्लीगल एक्टिविटीज के बारे में यहाँ सब जानते हैं, लेकिन आज तक रिपोर्ट लिखवाने कोई पुलिस स्टेशन नहीं पहुँचा सर। अपनी कंप्लेंट लिखिए सर, अपनी कंप्लेंट लिखिए जल्दी। कौन हो तुम? प्लीज, हम आपके पैर पड़ते हैं सर, प्लीज। इसकी कंप्लेंट लिखो, बोलो, परेशान होने की जरूरत नहीं। सर, हमारी कांदीवली के पास थोड़ी सी जमीन है सर। जब हम वहाँ भूमि पूजा कर रहे थे तो कुछ गुंडों ने आकर जमीन खाली करने को कहा और हम पर हमला भी किया सर। हमने उनके बहुत हाथ पांव जोड़े सर, बहुत विनती की, लेकिन उन्होंने हमारी एक भी नहीं सुनी। फिर हम वहाँ से जान बचाकर भाग गए। उन्होंने हमारा पीछा किया और हमारे सभी साथियों को काट डाला सर। अब मैं अकेला ही बच गया हूँ सर। उनमें से एक हमारे पीछे चाकू लेके पड़ गया सर, तो भगवान ने पत्थर के रूप में आके हमका बचाया साहब। उसका पैर पत्थर से टकराया और वो नीचे गिर गया, तब उसका चाकू उसी के पेट में घुस गया साहब और वो मर गया। अब आप ही मुझे बचाइए साहब। ठीक है, मैं देखता हूँ, तुम अपने ले जाओ। थैंक यू साहब। कौन है ये आदमी? आप जिस शेषनाग शंकर के बारे में पूछ रहे थे वही है। इसने जो कुछ भी यहाँ बोला है टोटली रिवर्स हुआ होगा वहाँ पर। उसके पेट में घुस गया और वो मर गया साहब। सबको खत्म कर दिया भाई। अबे नहीं, और थोड़े बैलेंस है। कौन है भाई? सॉरी, खुद को बचाने के लिए ईशेषनाग अपनों को डस जाता है। आपने देखा सर उसको? वो जो खून करता है उसका कोई सबूत तक नहीं छोड़ता। मुझे जरा उसका बैकग्राउंड बताओ। वो कहां से आया कोई नहीं जानता सर। सेक्शन हेर फेर करना ही उसका बैकग्राउंड है। इसको पहले म्युनिसिपल कोर्ट के नजदीक भीख मांगते देखा गया था, बाद में हाई कोर्ट के नजदीक चाय बेचने लगा। वहां इसने वकीलों से पर्चे बढ़ाना शुरू कर दिया और झूठी गवाही देना अपना धंधा बना लिया। उसके बाद सेक्शन वगैरह जानने लगा और फिर उल्टे सीधे दांव पेच अपनाकर लोगों का खून तक करने लगा है। और तभी से इसने हमारे नाक में दम कर रखा है। ओह माय गॉड, ये तो भाई है। इसको आप पहचानते हैं सर? कोल्हापुर रेलवे स्टेशन में मैंने इसको एक अटैक से बचाया था। इसके डिटेल्स बहुत जरूरी है, आप खुद जाकर ले आइए। ठीक है सर।